नमस्कार फ्रेंड्स, आरओ वाटर सपोर्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एक एक्वागार्ड का आरओ सिस्टम, आरओ प्लस यूवी मॉडल, ये है इसका यूवी। और इसमें है एमएलई कार्ट्रिज, यानी कि एंटी एस्केलेंट बॉल डाला हुआ है। और ये जो बूस्टर पंप है, उससे जो पाइप इनपुट हो रहा है, उस पाइप लाइन में लगा हुआ है, यानी कि ये जो सोलेनोइड बल्ब है उसके बाद। और ऊपर इसका ये पावर सप्लाई है। पीछे इसमें मैं आपको दिखाऊं, देख सकते हैं पीछे इसमें आपको पोस्ट सिल्वर कार्बन कार्टिज लगा हुआ है। और ये है इसका मेम्ब्रेन, और नीचे कार्बन फिल्टर। तो इस ढंग का सिस्टम है ये। और यहाँ पे एक सिस्टम आपको दिख रहा होगा, लो प्रेशर स्विच। और इस वीडियो के माध्यम से मुझे क्या शेयर करना है, सो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इस टैप का पानी खोला है और ये आरओ सिस्टम चल रहा है। देखिए, अब बंद हो गया ये। और यहाँ पे रेड कलर का इंडिकेशन आ रहा है, और फिर अभी ग्रीन कलर का इंडिकेशन आने लगा, लेकिन ये आरओ सिस्टम ऑन नहीं हुआ। इसको मैंने फिर से ऑफ कर दिया है, देखिए फिर भी ये आरओ सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पे लो प्रेशर शो हो रहा है। तो जब लो प्रेशर शो होता है, तो आपको इसमें जो ये आपको दिख रहा है, जैसे अभी देखिए ये टैप खुला हुआ है, उसके बाद भी आरओ सिस्टम थोड़ा देर के लिए ऑन हुआ और फिर से ऑफ हो गया। मैं फिर से इसको टैप को बंद कर दिया, मैं देखता हूँ फिर से कहीं ऑन होगा। देखिए, इस इंडिकेटर आ रहा है ग्रीन कलर का, लेकिन आरओ सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है। तो ये जो एसएमपीएस है, इसमें सुविधा है 4 वाट यूवी प्लस 6 वाट एसवी प्लस 24 वोल्ट पंप के लिए 1 एम्पियर, यानी कि सारा सिस्टम इसी से रेगुलेट हो रहा है। तो ये जो लो प्रेशर है, अगर मैं इसको डायरेक्ट कर दूँ, डायरेक्ट करने का मतलब है कि इस दोनों वायर को आपस में कनेक्ट कर दूँ, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए, फिर से ऑन हो चुका है, लेकिन पता नहीं ये कब फिर बंद हो जाएगा। देखिए, फिर से ये बंद हो चुका है। तो इसको मुझे डायरेक्ट करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ से इस पावर को डिसकनेक्ट करते हैं। इसका वायर को कट करके फिर से मैं आपस में ऐड कर देता हूँ। लेकिन थोड़ा सा इस पर खास ध्यान रखना होगा, जब भी टैप वाटर नहीं आ रहा हो, उस स्थिति में आपको थोड़ा सावधानी रखना होगा, आरओ सिस्टम को ऑफ रखना होगा। ड्राई नहीं चलना चाहिए आरओ सिस्टम। यदि आपका आरओ सिस्टम ड्राई चलेगा, तो इसका बूस्टर पंप पे असर पड़ेगा। हो सकता है बूस्टर पंप बिना पानी का ज़्यादा देर चले और काफ़ी गर्म हो जाए, और इसका आर्मेचर वगैरह जल जाए, कुछ भी हो सकता है पंप के साथ, या हेड लीक हो जाए, डायाफ्राम पे असर पड़े। तो दोनों वायर को मैंने थोड़ा सा कट लगाया, और मैं इसको आपस में अब एक साथ मोड़ दिया है, मिला दिया है, मेरे कहने का सेंस है। और मैं इसमें टेप मारूंगा अलग से। अब मैं आपको चला कर दिखाता हूँ, फिर से मैं इसमें करंट देता हूँ, और मैंने करंट दे दिया है, और अब आप देखिए कि ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थोड़ा समय लेता है, उसके बाद ऑन होता है। और देखिए, ऑन हो चुका है। अब देखना है कि ये थोड़ी देर के बाद बंद होता है कि लगातार चलते रहता है। और ऐसे बंद नहीं होगा, ये खुद से पंप के वाइब्रेशन से खुद से ये फिर से डिसकनेक्ट ना हो जाए, इसके लिए मुझे इसमें टेप मारना पड़ेगा। तो मैं इसमें भी टेप मार देता हूँ। ऐसे मुझे इस वीडियो के माध्यम से इतना ही शेयर करना था। ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। कृपया इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।